नमस्कार, मैं सौरभ। आज एक 2 BHK फ्लैट दिखा रहा हूँ, रीसेल 2 BHK, 6 साल पुराना, जो कि कलकत्ता, साउथ कोलकाता गड़िया के आसपास के इलाके में आ रहा है। ये ब्रह्मपुर बोल के एक जगह आ रहा है, जो कि बांसडोनी एरिया से भी क्लोज है, बांसडोनी थाना के अंदर आता है ये जगह पे। ये 774 स्क्वायर फीट का ये 2 बेडरूम फ्लैट आ रहा है। अब देखिए, मैं जस्ट एंट्रांस से अंदर आने के बाद ये व्यू मुझे मिल रहा है। नॉर्थ की तरफ फेसिंग करके मैं आ रहा हूँ फ़िलहाल। ये विंडो मुझे मिला, ये साइड वाला इलाका है, कॉमन एरियाज जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ से अगर मैं खड़ा होता हूँ तो ऐसा व्यू आ रहा है। देखिए, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये साउथ है, उस तरफ ओपन नहीं है, इस तरफ ईस्ट हो रहा है, याद रखिएगा। ये एक रूम है, यहाँ पे किचन है, और मैं ये लिविंग डाइनिंग जो है इसके पास यहाँ से दिखा रहा हूँ। और सामने जहाँ जो इलाका दिखाई दे रहा है वो एंट्रांस है, ठीक है। तो ये एक रूम है, चलिए ये रूम मैं दिखा रहा हूँ। ये रूम देखिए, ब्रह्मपुर मोड़, स्टीम लॉन्ड्री मोड़ नियरेस्ट लैंडमार्क है। देखिए, बॉक्स विंडो किया गया है। आसपास का इलाका अच्छा है। ये एक डेड एंड गली है स्टीम लॉन्ड्री मोड़ के पास, ब्रह्मपुर मोड़। यहाँ से ऑटो मिलता है, 5-7 मिनट में गड़िया पहुँचा जा सकता है। 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा बस। आसपास HDFC, ICICI, बहुत सारा बैंक है। देखिए, इस रूम के साथ मैं ये बालकनी में आ गया, ये कहते कहते साथ में ये रास्ता मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये क्लोज़र हो रहा है। देखिए, रास्ता यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ पे एंड है। और ये एक स्ट्रेट 3 बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, तीनों फ्लोर है, जिसमें मैं टॉप फ्लोर पर हूँ, मतलब सेकेंड फ्लोर पर ही हूँ। 774 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप एरिया, जो कि लास्ट प्राइस 20 लाख रुपीज़ में आ रहा है। अगर आपको लगता है ये प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे 20 लाख रुपए में मात्र आपको ये मिल सकता है। ये 6 साल पुराना रीसेल है। बालकनी के साइज़ 5 फीट बाई 2.5 फीट होगा मेरे अंदाजे से। बॉक्स ग्रिल किया हुआ है, कलर किया हुआ है यहाँ पे रूम पे। इस रूम से मैं अगर निकलता हूँ तो ऐसा एक व्यू आ रहा है। यहाँ पे ईस्ट, याद रखिएगा, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ है नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ से खुला है इस रूम में। और इस रूम से मैं अगर निकलता हूँ तो देखिए, लेफ्ट साइड पे ये एंट्रांस एग्ज़िट का जो जगह है, जहाँ से मैं वीडियो शुरू किया था, वहाँ से आने के बाद ये हॉल मैंने जो दिखाया, ये लेंथ के हिसाब से अच्छा है, 18 फीट से 20 फीट के आसपास होगा। स्क्रीन के राइट साइड पे इस तरफ किचन है, चलिए किचन दिखाते हैं आपको। देखिए, रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। किचन देखिए बहुत ही अच्छा है, स्पेसियस है, काम करने में आसानी होगा। यहाँ पे ग्रेनाइट दिया गया है, आप देख सकते हैं। और ये इसमें अगर पानी हम दे देते हैं तो इसका एक्चुअल कलर आपको पता चलेगा, ये थोड़ा ग्रीनिश है, याद रखिएगा। पता नहीं इस कैमरे में इसको मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। अब देखिए, मैं किचन में हूँ, किचन में स्पेस अच्छा है। सिंक देखिए यहाँ पे, जहाँ पे लगा हुआ है तो काम करने में आसानी होगा, यहाँ पे स्पेस है। अभी देखिए, किचन से मैं निकलता हूँ तो राइट साइड पे नॉर्थ है, मतलब उत्तर दिशा है, इस तरफ दक्षिण है, वहाँ वो एंट्रांस था। अभी देखिए, मैं दूसरे रूम पे जाऊँगा, जो कि मास्टर बेडरूम आप कह सकते हैं। देखिए, ये रूम पे वॉल अलमीरा भी दिया हुआ है अच्छा। देखिए, 2 विंडो हैं। दोनों ही रूम का साइज़ मेरे ख्याल से 120 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। एसी का पॉइंट भी दिया हुआ है। ये आपका वेस्ट, थोड़ा सा साउथ, मैक्सिमम वेस्ट आ रहा है। यहाँ से मैं देखता हूँ तो अटैच टॉयलेट दिखाई दे रहा है, वो एंट्रांस है, जहाँ से मैंने ये वाला रूम पे एंट्रांस
मतलब घुसा था यहाँ पे। अभी देखिए वॉल अलमीरा के पास मैं जा रहा हूँ ये स्पेस दिखाने के लिए। देखिए वॉल अलमीरा अच्छे से दिया हुआ है, 6 स्क्वायर फीट का होगा। यहाँ पे अच्छे से आपका नॉर्मल वॉल अलमीरा फिट हो सकता है, ऊपर लॉफ्ट किया हुआ है तो ये एक अच्छा बात है। अभी देखिए लॉफ्ट के अंदर से मैं देखता हूँ तो ऐसा व्यू आ रहा है। देखिए ये कैमरा तो वाइड एंगल फ़िलहाल नहीं है, मोबाइल का कैमरा है, तो मेरा कोशिश ये है कि आपको थोड़ा समझ में आए। आप ज़्यादा बड़ा देख के छोटा देखिएगा ऐसा बात नहीं है, तो वाइड एंगल कैमरा में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ये नॉर्मल एक कैमरा है जहाँ से मैं दिखाई दे मतलब ये वीडियो कर रहा हूँ। अभी देखिए वो लॉफ्ट में फिर से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये था एक 774 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट। अगर आपको पसंद आता है तो संपर्क कीजिएगा 8910-85111। मैं सौरभ कांजीलाल रियल एस्टेट अचीवर की तरफ से आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा था। अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।